नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 नवंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आईएपीएफ 2024 में बिहार पवेलियन को मिला स्वर्ण। @2047 के तहत बिहार की दिखी झलक। पर्यटन मंत्री ने पवेलियन का किया था उद्घाटन। 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक लगेगा कृषि यांत्रिकरण में। 100 से अधिक कृषि यंत्र निर्माता लेंगे भाग। कृषि यंत्रों पर अनुदान की योजना होगी लागू। बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन। 30 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। आवेदक को गुड़ उत्पादन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य। कोहरे से सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए उठाए गए कदम। गाड़ियों पर चिपकाना होगा रिफ्लेक्टिव टेप। इसकी जांच के लिए चलाए जाएंगे अभियान। बिहार में 1,24,919 एलोपैथिक डॉक्टरों की है जरूरत। स्वास्थ्य विभाग में भारी कमी का सीएजी रिपोर्ट में हुआ उल्लेख। जानिए स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या है हालत। पिछले 7 वर्षों में 21,21,00,000 पर्यटक पहुंचे बिहार। इनमें 35,92,000 पर्यटक थे विदेशी। जल्द 5-स्टार होटल के लिए निविदा होगी जारी। पीसीबी ने भारत को लेकर दिया बड़ा बयान। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर विवाद। क्या भविष्य में भारत के टूर्नामेंट में नहीं जाएगा पाकिस्तान। चलिए बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 25 पदों के लिए। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 दिसंबर है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो। उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2024 में बिहार पवेलियन को स्वर्ण पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार बिहार पवेलियन को इसकी खास डिजाइन और विषयगत प्रस्तुति के लिए मिला है। इस दौरान भारत @2047 के तहत विकसित बिहार की एक झलक भी देखने को मिली। इस पवेलियन का उद्घाटन पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया था। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 23 राज्यों के 40 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास के लिए मंजूरी दी है, जिसमें बिहार के सहरसा स्थित मत्स्यगंधा झील भी शामिल है। केंद्र सरकार ने इसके संपूर्ण विकास के लिए लगभग 97.12 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। सहरसा के विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने झील के सौंदर्यीकरण के लिए काफी प्रयास किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप इसे परियोजना में शामिल किया गया है। उन्होंने अपनी चुनावी वादों में भी इसे शामिल किया था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य नेताओं का भी आभार व्यक्त किया है। राजधानी गांधी मैदान में 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक आयोजित राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकीकरण मेला यानी एग्रो बिहार 2024 में 100 से अधिक कृषि यंत्र निर्माता हिस्सा लेंगे। मेले में विभिन्न राज्यों के निर्माता अत्याधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन करेंगे, जिनमें बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल है। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने मेला की तैयारी की समीक्षा की और किसानों को कई योजनाओं और यंत्रों के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए। मेला में फूड कोर्ट, किसान पाठ्यशाला और कृषि महाविद्यालयों के छात्रों के लिए भ्रमण का आयोजन होगा। इसके अलावा 2024-25 में कृषि यंत्रों पर अनुदान की योजना भी लागू की जाएगी, विशेष रूप से SC ST और OBC किसानों के लिए। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण सड़कों की स्थिति सुधारने की योजना है। 28,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण अगले साल बरसात से पहले पूरा करने का लक्ष्य है। विधानसभा में जदयू विधायक शालिनी मिश्रा के सवाल का जवाब देते हुए ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि इन सड़कों की मरम्मत प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिसकी रिपोर्ट 30 नवंबर तक आएगी। इसके लिए एक नया ऐप मेरा बिहार मेरी सड़क विकसित किया जा रहा है, जिससे लोग शिकायत कर सकेंगे और 7 दिनों में मरम्मत कराई जाएगी। मंत्री ने बताया कि 2005 में 8,000 किलोमीटर सड़कें थी, जो अब बढ़कर 1,18,000 किलोमीटर हो गई है। सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने रिफ्लेक्टिव टेप
जांच अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। ये अभियान सभी जिलों में चलाया जाएगा, जिसमें वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस अभियान की जानकारी दी और जिला परिवहन अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। कोहरे और धुंध के कारण दृश्यता कम होने से दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे रिफ्लेक्टिव टेप लगाना फायदेमंद होगा। 2023 में कोहरे के कारण 2347 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिनमें 1722 लोगों की मौत हुई थी। वाहन चालकों को रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के लिए जागरूक किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। प्रदेश में बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 30 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप ccs.bihar.gov.in पर जाएंगे। यहां आवेदक को गुड़ उत्पादन के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। परियोजना लागत के 25 लाख रुपए से अधिक होने पर SIPB का अनुमोदन अनिवार्य होगा। इससे संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप IPRD और पर विजिट कर सकते हैं या इसके आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में पैन 2.0 कैंपेन लॉन्च किया है और एक नागरिक के पास केवल एक पैन कार्ड होना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी के पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड है तो उन्हें तुरंत अतिरिक्त पैन कार्ड सरेंडर करना होगा। ऐसा ना करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत एक से ज़्यादा पैन कार्ड रखना अपराध है। सरकार अब एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डुप्लीकेट पैन कार्ड का पता लगा रही है। यदि आपके पास अतिरिक्त पैन कार्ड है तो आप आयकर विभाग की वेबसाइट से चेक कर इसे सरेंडर करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका से लाई गई 60 साल पुरानी मिथिला पेंटिंग को देखने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। बिहार संग्रहालय के अपर निदेशक ने बताया कि पेंटिंग सही सलामत पहुंच गई है, लेकिन इन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने भी इन्हें देखा और कहा कि संरक्षण के बाद ही इन पेंटिंग्स को प्रदर्शनी में लगाया जाएगा। इन पेंटिंग्स में मिथिला पेंटिंग की 4 शैलियाँ कचनी, कलर, कुदना और तंत्र पेंटिंग शामिल है। इनमें मां काली, राधे कृष्ण, देवी देवताओं के चित्र और कई अन्य दुर्लभ पेंटिंग्स हैं। इस संग्रह में बिहार के प्रसिद्ध कलाकारों जैसे बच्चा देवी, बउआ देवी और दलित समाज के कलाकार जमुना देवी की पेंटिंग्स भी शामिल है। इस संग्रहालय के पास अब दुनिया में सबसे ज्यादा मिथिला पेंटिंग्स है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के 4th दिन भूमि और राज्य विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने अंचलाधिकारियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारी यदि सुधारते नहीं हैं तो वे उन्हें सुधार देंगे। एक सवाल के जवाब में दिलीप जायसवाल ने कहा कि लापरवाही को देखते हुए हमने 139 CO का वेतन रोक दिया है। सरकार लगातार शिकायतों पर काम कर रही है। मुझे मंत्री बनने में समय लगा, इसलिए इन मुद्दों पर कार्रवाई करने में समय लगा। CO के द्वारा धोखे से जमीन के जमाबंदी कराए जाने के सवाल पर जायसवाल ने कहा कि कार्रवाई का निर्देश दे दिया है, एक महीने के अंदर सजा मिल जाएगा और आप चिंता ना करें। सीओ के द्वारा धोखे से जमीन की जमाबंदी कराए जाने के सवाल पर जायसवाल ने कहा है कि कार्रवाई का निर्देश दे दिया गया है, एक महीने के अंदर सजा मिल जाएगी। बिहार में 12.49 करोड़ की अनुमानित आबादी के लिए 1,24,919 एलोपैथिक डॉक्टरों की आवश्यकता है, लेकिन राज्य में केवल 58,144 डॉक्टर ही उपलब्ध हैं। 2016-22 के CAG रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग में भारी कमी और रिक्तियों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार स्टाफ नर्स की कमी 18% से 72% तक, पैरामेडिक्स की कमी 45 से 90% तक है। आयुष इकाइयों में कर्मचारियों की कमी 35 से 81% तक है। इसके अलावा 47 अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल नहीं है और 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में से केवल 191 का ही उन्नयन हुआ है। 1932 स्वास्थ्य केंद्रों में से 44% 24 घंटे और 7 दिन के आधार पर काम नहीं कर रहे हैं और 29% में प्रसव कक्ष की सुविधा नहीं है। राज्य सरकार ने पानी की किल्लत से जूझ रहे इलाकों में वाटर ATM से पानी की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। PHED मंत्री नीरज बबलू ने विधानसभा में बताया कि गर्मी में भूजल स्तर गिरने से प्रदेश में पानी की समस्या होती है, खासकर दक्षिण बिहार के क्षेत्रों में। संकट वाले इलाकों में चापाकल और टैंकरों से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। जहां टैंकरों का पहुंचना संभव नहीं है, वहां वाटर ATM से पानी मिलेगा। मंत्री ने यह भी बताया कि गर्मी के पहले हर घर में नल का पानी पहुंचाने की योजना पर काम तेजी से हो रहा है और जल्द ही सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे।
बिहार में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 65 मेगावाट क्षमता वाले ग्रीड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट के तहत 12,000 सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है। अब तक 7,000 भवनों पर सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। इस परियोजना की समीक्षा ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने की, जिसमें ब्रेडा के निदेशक डॉक्टर नीलेश तेवरे और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। पंकज कुमार पाल ने सभी एजेंसियों को कार्य समय सीमा में पूरा करने और सोलर पैनल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन और कार्य क्षमता पर सत्यापन करने पर जोर दिया है। ये परियोजना राज्य में ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगी। बिहार में पिछले 7 वर्षों में 21.21 करोड़ पर्यटक आए हैं, जिनमें 35.92 लाख विदेशी पर्यटक शामिल हैं। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि 2023 में सबसे अधिक 8.21 करोड़ पर्यटक बिहार आए। 2021 में कोरोना काल के दौरान केवल 1,046 विदेशी पर्यटक आए थे। 2018 में 3.36 करोड़ देशी और 10.87 लाख विदेशी पर्यटक आए थे। बिहार सरकार पर्यटक स्थलों के विकास में जुटी है। इनमें गया, बोधगया, राजगीर और नालंदा शामिल है। इसके अलावा बराबर पहाड़ी पर रोपवे और सीढ़ी का निर्माण भी किया जाएगा। पुनौरा धाम को 120 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। पर्यटकों के ठहरने के लिए 5-स्टार होटलों की निविदा भी जल्द जारी होगी। पटना के ज्ञान भवन में 28 नवंबर से 3 दिवसीय बिहार डाक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेका ने किया। इस प्रदर्शनी में लोक गायिका शारदा सिन्हा पर एक विशेष डाक आवरण जारी किया गया है, जो भारतीय डाक विभाग द्वारा किसी कलाकार पर जारी किया जाने वाला पहला स्पेशल कॉपर बना। प्रदर्शनी में 12,000 टिकटों को 400 फ्रेम में प्रदर्शित किया गया। पहली बार वर्चुअल और वास्तविक रूप में डाक टिकटों की डिजिटल प्रदर्शनी भी देखने को मिली, जिसमें बिहार का सशक्त नेतृत्व महिला वाला समाज पर प्रदर्शनी आयोजित हुई। कार्यक्रम में कई स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। आकर्षण का केंद्र ताम्र डाक टिकट और पिन्नी ब्लैक टिकट रहा। साथ ही बिहार के प्रसिद्ध ऋषियों और शक्तिपीठों पर भी पिक्चर पोस्ट कार्ड जारी किए गए। बिहार के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना में बदलाव के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इसके तहत सभी स्कूलों में शिक्षकों और हेडमास्टर को मिड डे मील की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिहार के 10 जिलों के 20 पंचायतों को चुना गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, औरंगाबाद और अन्य जिले शामिल हैं। यहाँ BRP और शिक्षा सेवकों को मिड डे मील का संचालन सौंपा जाएगा। इस बदलाव से शिक्षकों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी कम होगी और वे बच्चों की पढ़ाई पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। ये योजना तमिलनाडु में सफल रही थी और अब बिहार में लागू की जा रही है। बिहार में ठंड बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान गिरावट देखने को मिल रही है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और भागलपुर जिले में एक या दो स्थानों पर घने स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है और कुछ जगहों पर 12 से 16 डिग्री भी रह सकती है। राजेंद्र सेतु पर 29 नवंबर को रात 10 बजे से 30 नवंबर सुबह 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। ये रोक पुल के स्पॉन संख्या 5 की ढुलाई के कारण लागू की गई है। सिमरिया पुल की मरम्मत और नए पुलों के निर्माण से बिहार की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। SP सिंगला कंपनी द्वारा मरम्मत का काम किया जा रहा है और रेलवे के सहायक अभियंता ने पुल बंद करने की सलाह दी है। इस दौरान यातायात प्रभावित होगा और यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। नए पुल बनने से यातायात में सुधार होगा और लंबी दूरी के रास्तों की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजेंद्र सेतु उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पुल है। बीते दिन बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। राजद विधायक अपनी सीट छोड़कर अध्यक्ष के पास जाने लगे, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव गुस्से में दिखाई दिए और उन्हें सीट पर वापस बैठने की चेतावनी दी। राजद विधायक भाई वीरेंद्र CM की सीट के पास पहुंचे, तब अध्यक्ष ने मार्शलों को उन्हें बाहर निकालने का आदेश दिया। इस घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद के बागी विधायकों के मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि वे लगातार लेकर अध्यक्ष से शिकायत कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि विधायकों ने सरकार को चेताने के लिए यह कदम उठाया क्योंकि सदन नियमों के अनुसार नहीं चल रही।
अगले विधानसभा चुनाव से पहले पटना में मेट्रो निर्माण तेजी से चल रहा है और नीतीश सरकार अन्य जिलों में भी मेट्रो लाने की तैयारी कर रही है। गया के सांसद और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि जल्द ही गया में भी मेट्रो का निर्माण शुरू होगा। उन्होंने कहा कि गया मेट्रो सिटी के नाम से जाना जाएगा और ये परियोजना जिले के लिए बहुत बड़ा विकास कार्य होगा। मेट्रो का रूट राष्ट्रीय राजमार्ग 82 से होकर गुजरेगा, जिसमें बिजौल, तेतरिया, रसलपुर और बोधगया जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। इस मेट्रो परियोजना से न केवल गया बल्कि आसपास के जिलों जैसे नवादा, नालंदा और जमुई को भी लाभ मिलेगा। बीते दिन बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने शपथ ली। इस दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के कई बड़े नेता भी शामिल हुए थे। हेमंत सोरेन झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने चौथी बार ये पद संभाला है। हेमंत सोरेन का कार्यकाल अन्य सभी मुख्यमंत्रियों में लंबा होगा और वे झारखंड के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि भारत का पाकिस्तान में क्रिकेट ना खेलना अस्वीकार्य है। उन्होंने भारत से आग्रह किया कि भारत को राजनीतिक मतभेदों के बावजूद विश्व कप के दौरान पाकिस्तान के भारत में खेलने जाने के सम्मान का सम्मान करना चाहिए। नकवी ने कहा कि अगर भारतीय टीम ऐसा नहीं करती है तो पाकिस्तान भविष्य में भारत के टूर्नामेंट में नहीं जाएगा। ये विवाद चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर है जो अगले साल फरवरी मार्च में होनी है, लेकिन मेजबान देश का ऐलान नहीं हुआ है। नकवी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान पूरा टूर्नामेंट अपने देश में चाहता है और वे आईसीसी के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1889 में बैंगलोर के लालबाग गार्डन में ग्लास हाउस के आधारशिला रखी गई थी। आज के दिन वर्ष 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन होने पर निजाम ने भारत में शामिल होने की अपेक्षा स्वतंत्र रहना चाहा। आज के दिन वर्ष 1961 में दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन भारत आए थे। आज के दिन वर्ष 1989 में भारत के तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस्तीफा दिया था। आज के दिन वर्ष 1999 में महाराष्ट्र के नारायण गांव में विश्व का सबसे बड़ा मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप खुला था। आज के दिन वर्ष 2008 में 60 घंटे ऑपरेशन के बाद कमांडो ने मुंबई को आतंकियों से मुक्त कराया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 थी, लेकिन अब आप बिलेटेड आईटीआर दाखिल कर सकते हैं जिसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 है। हालांकि बिलेटेड आईटीआर पर जुर्माना लागू हो सकता है। अगर 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल होता है तो जुर्माना ₹5,000 होगा और अगर 31 दिसंबर के बाद मार्च तक दाखिल किया जाता है तो जुर्माना ₹10,000 तक हो सकता है। यदि आय ₹5,00,000 से कम है तो जुर्माना केवल ₹1,000 होगा। रिटर्न में गलती होने पर आप संशोधित रिटर्न भी दाखिल कर सकते हैं। इन दिनों वीडियो कॉल के जरिए स्कैम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कई बार ढाई रुपये पुलिस, सीबीआई, जज और कस्टम डिपार्टमेंट के नाम पर सरकारी कर्मचारी का ढोंग करते हैं, लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। यदि आपके पास भी इस तरह के स्कैम कॉल आते हैं तो आप cybercrime.gov.in पर कंप्लेन कर सकते हैं या 1930 पर कॉल कर सकते हैं और इस तरह के डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के लिए अलर्ट रहना जरूरी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए लोगों को अलर्ट किया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 43वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है करनाल, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है हैदराबाद। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी आर्मेनिया, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है मॉरिशस। इसका सही उत्तर है आर्मेनिया। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ है? ऑप्शन ए है चेतन भगत, ऑप्शन बी है देवेंद्र कुमार धोडावत, ऑप्शन सी है सीमा सरूर, ऑप्शन डी है अरविंद घोष। इसका सही उत्तर है देवेंद्र कुमार धोडावत। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? ऑप्शन ए है कर्नाट शासक, ऑप्शन बी है गुप्त शासक, ऑप्शन सी है पाल शासक, ऑप्शन डी है हर्यक शासक। इसका सही उत्तर है कर्नाट शासक। बोधगया के महाबोधि वृक्ष को किस शासन ने क्षति पहुंचाया था? ऑप्शन ए है गृहवर्मन, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है शशांक,
ऑप्शन डी है राज्यवर्धन, इसका सही उत्तर है शशांक। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है मोहम्मद इरफान, रामबाबू दास, सूरज कुमार, सपना कुमारी, मोहम्मद जेम्स, हैदर खान, पंचू कुमार, बिरजू कुमार, अनवर करीम खान, बिट्टू कुमार, प्रियंका, जितेंद्र ठाकुर, वीरेंद्र सिंह, गोलू कुमार, अतीक खान, अमरेंद्र महतो, धूपति देवी, कुश कुमार यादव, सानवी गुप्ता, अशोक कुमार, प्रीतम कुमार, मुन्ना प्रसाद, नौसाद रजा, नीतू कुमारी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके अनुसार भारत को पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने जाना चाहिए या नहीं। आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।